जब आप अपनी नज़रों को इधर लेकर जाएंगे तो बीच वाले हिस्से में आप लोगों को काफ़ी मजबूत पिलर दिखाई देंगे और काफ़ी लंबी गैलरी आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है। पहली बार हमने किसी किले के अंदर ऐसी एक सुरंग नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को अपनी टीम के साथ में पंजाब के लुधियाना किले में लेकर आ गया हूं। और दोस्तों इसका जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इसके अंदर हमें एक ऐसा किला मिला है जिस किले के अंदर आज भी वो सुरंग हम लोगों को देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, उन सभी पुरानी चीज़ों को हम इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, vidanshroy3393 मेरी आईडी है, ताकि किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप मेरे साथ वहां पर साझा कर सको। चलिए दोस्तों करते अपनी आज की वाली वीडियो हम शुरू। दोस्तों इस किले का नाम बताया जाता है लुधियाना फोर्ट, यानी कि लुधियाना का किला। और ये इस किले का एक एंट्री पॉइंट है। जब हम थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे तो हमें इस एंट्री गेट के सामने की तरफ से दूसरा भी इसका गेट दिखाई देगा, जो तकरीबन 12 से 15 फीट के बीच में बना हुआ है। आगे आइए थोड़ा सा, जैसे ही आप लोग अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पतली ईंटें, कुछ मोटी ईंटें और कुछ ज़्यादातर जो भाग है वो इन झाड़ियों के बीच में दब चुका है आपको दिखाई देगा। और इसी के साथ में मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पे ना दो तीन कंस्ट्रक्शन हम लोगों को देखने को मिलेंगे और उन कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, अफवाहों से बचेंगे, दोनों चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। नीचे की तरफ जो दीवार बनी है वो पतली ईंटों की बनी है, जिसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये दीवार यहाँ जो बची है ये काफ़ी पुराने समय की है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं बारीकी से। ये वाला हिस्सा जो है आज इन झाड़ियों के बीच में दब चुका है। कुछ कमरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और आगे आने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को दूसरा इसका गेट दिखाई देगा। और दोस्तों इस गेट की खासियत ये है कि ये वाला गेट ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो आपको थोड़ी मोटी ईंटें दिखाई देंगी, चौड़ी ईंटें दिखाई देंगी। और इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं किस प्रकार से इसको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म दिया गया है। एक किवाड़ गेट जो कि काफ़ी बड़ा है यहाँ पर गिरा हुआ है, जिसमें अंदर की तरफ लोहे की ये की लगी हुई है, पूरा लकड़ी का है। देखो लकड़ी आज भी इसकी बिल्कुल ठीक है। एक गेट यहाँ पे भी है इसका। और इसकी जो ये कुंडी है देखिए कितनी भारी कुंडी है, इससे इतना डर लगा सकते हैं कि जब ये गेट पूरा बंद होता होगा तो इसकी मदद से ये मजबूत रहता होगा। ये छोटे गेट होते थे, पूरा बड़ा गेट तब खुलता था जब यहाँ से यहाँ के राजा वगैरह अंदर आते थे, छोटा गेट आम जन के लिए खुला रहता था। जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें थोड़ा सा सामने की तरफ, इधर तो झाड़फूस दिखाई देने वाला है और सामने की तरफ हम लोगों को खुला एक ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बगीचा वगैरह यहाँ रहा होगा। तो पहले हम इधर वाले हिस्से को कवर करते हैं और फिर मैं आपको सुरंग के पास लेके जाऊँगा जो आज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए मेरे साथ आप। और यदि हम इस किले के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो 15वीं शताब्दी के समय में सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में अलग अलग स्थानों पर अनेक छावनियां बनवाई थी। और उसी समय पंजाब के अंदर छावनियां बनवाने का जो सारे का सारा काम था वो दो जनरल को सौंपा गया था, यूसुफ खान और निहंग खान को। और इस किले का निर्माण निहंग खान के बेटे जलाल खान ने करवाया था। और उस समय इस स्थान को दरसे के किले के नाम से जाना जाता था, जो आज लुधियाना का किला बन चुका है। ये अंग्रेजों के समय की मालूम पड़ती, क्योंकि अंग्रेजों के समय में ही चौड़ी ईंटों का वर्चस्व था। यहाँ पर एक ऐसी इमारत दिखाई दे रही है जो आज भी पतली ईंटों की बनी हुई है और जो इसके इतिहास को उजागर करती है। और इन पतली ईंटों के साथ साथ में अंदर से कैसा दिखता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार से बनाया गया जैसे कि ब्रिटिश काल के अंदर जो ट्रायंगुलर शेप दी जाती थी वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो ये वाली इमारत है ये बिल्कुल बाद में बनाई गई थी, अब तो ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। इन पुरानी इमारतों में ना एक खासियत ये होती थी कि
पुरानी इमारतें आज भी कहीं ना कहीं अपने अवशेषों के साथ जिंदा हैं, लेकिन ये बनाई गई 30-40 साल पहले इमारतें आज बिल्कुल खंडित हो चुकी हैं। सामने की तरफ के जो कक्ष हैं दोस्तों, इस प्रकार के कक्ष हम लोगों ने ज़्यादातर उन हवेलियों में या किलों में देखे हैं, सराय में देखे जहाँ पर वो लोग स्टे किया करते थे। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पर, ये सराय के लिए बनाए गए होंगे, यानी कि जब कभी भी लुधियाना के जो भी सरदार राजा महाराजा रहे थे अंग्रेजों के समय में, तो उनके द्वारा ये सराय बनाया गया था, क्योंकि इनके ईंटों के पैटर्न से साफ साफ मालूम पड़ता है कि तकरीबन ये जो इमारत है ये कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल किया गया है। अंदर के नज़ारे को आप यहाँ से देखिए, नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है, और जब आप अपनी नज़रों को इधर लेकर जाएंगे तो बीच वाले हिस्से में आप लोगों को काफ़ी मजबूत पिलर दिखाई देंगे, और काफ़ी लंबी गैलरी आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है। इसके छत के पैटर्न को भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कैसी छत बनाई गई है। ये जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये देखने में ऐसा लगता है कि जब यहाँ के सरदार यहाँ से गुजरते होंगे या रहते होंगे तो अपने सैनिकों के लिए ये वाला पूरा कंस्ट्रक्शन उन्होंने बनाया होगा। अभी बाकी हिस्सों को देखते हैं कि वहाँ पे हमें और क्या देखने वाला, आइए मेरे साथ आप। अभी इस किले के हम दूसरे हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पर हमें इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर हम देखते हैं इस एंट्री गेट के आसपास हमें ऐसी आर्च दिखाई दे रही है, बीच वाले हिस्से में हम लोगों को एक कीस्टोन भी दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर का कक्ष कमरा छोटा सा ही है। अगर मैं आप लोगों को इसके दूसरे कमरे में लाऊं तो इसका अंदर का नज़ारा आप लोग देखिए ज़रा एक बार कैसा आज मालूम पड़ता है, दिखाई देता है। और कमरे के अंदर कमरा भी बना हुआ है, उसको भी थोड़ा हम अपनी वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये कमरे के अंदर दूसरा कमरा बना हुआ है जो आज काफ़ी गंदगी के साथ में भरा हुआ है। थोड़ा आगे चलते हैं, ये देखिए इधर का जो नज़ारा है ज़्यादातर टूट फूट में ही बना हुआ है। और ये सामने देखिए ऊपर की छत का एक पैटर्न, और जो लुधियाना के सरदार थे उनके द्वारा ऐसा लगता है कि शायद ये एक मेरे ख्याल से सराय बनाई गई होगी, और इसको आज के समय फोर्ट का नाम दे दिया गया। इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस एक छोटी सी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, बाहर की तरफ लोहे की कड़ी लगाई गई है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ये बाद में लगी होगी, या फिर ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पे लालटेन वगैरह टांगी जाती है ताकि रोशनी हो सके। अंदर का बस ये कक्ष देख लेते हैं, ये जो कक्ष है थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने इससे पहले वाले कक्ष को देखा था। अब हम जाते हैं दोस्तों इसके उस हिस्से में जहां पर हम इसके टावर को और इसकी सुरंग को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, आइए मेरे साथ। अभी आगे की तरफ चलते हैं और भी, और यहां पर देखिए पूरे का हिस्सा जो है ये झाड़ियों में भरा हुआ है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि यहां पे हमें बड़ी ईंटें भी दिखाई दे रही हैं, पतली ईंटें दिखाई दे रही हैं, और इसी के अंदर सामने का जो कंस्ट्रक्शन है जो आपको एक टावर सा दिखाई दे रहा है, ये पता नहीं क्या रहा होगा उस समय का, लेकिन एक टावर सा बना हुआ है ये। और इसको देखकर बिल्कुल साफ साफ झलक होती है कि अंग्रेजों के समय में ऐसी जो इमारतें बना करती थी, ये वर्तमान की इमारत है, लेकिन इसके अंदर से जब हम जाएंगे तो हम एक ऐसे स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ पर सुरंग बनी हुई है। इतिहासकार मोहम्मद उस्मान रहमानी बताते हैं कि यह किला स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब मेरठ में मंगल पांडे ने बगावत शुरू कर दी थी तो उस समय लुधियाना छावनी में भी फौजियों ने अंग्रेजी शासकों के खिलाफ बगावत की थी, और मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी के नेतृत्व में छावनी पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ समय के बाद में एक बार फिर से अंग्रेजी हुकूमत ने इस किले को अपने अधीन ले लिया था। यहां पे देखिए आप लोगों को कुछ खंडहर दिखाता हूं मैं, इधर से आइए आप, ये देखिए ये बाहर की तरफ कुछ खंडहर इसके भाग बने हुए हैं इस किले के। सामने की जो दीवारें वहां पे फिर से हमें वही पतली ईंटें दिखाई दे रही है।
तो सो अभी मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ इसके बिल्कुल अंतिम भाग में, जहाँ पर आज भी हमें एक ऐसी सुरंग दिखाई देगी जो सुरंग हमें सामने की तरफ प्रतीत हो रही है। देख सकते हैं कि इस सुरंग के अंदर जितने भी हिस्से में आप लोग देख रहे होंगे, ये सीधे तौर पर एक सुरंग है जो यहाँ से एक पास में दूसरे किले में जाके निकलती है। और बताते हैं कि आज के समय में इस सुरंग का जो अस्तित्व है वो तकरीबन यहीं इस किले से शुरू होता है और ये सुरंग नीचे की तरफ से मेरे ख्याल से शायद बंद होगी। यहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा गिरा हुआ है, वरना मैं अंदर ज़रूर जाता, लेकिन अभी मैं बाहर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि पहली बार हमने किसी किले के अंदर ऐसी एक सुरंग साक्षात देखी है जो आज तक हम सिर्फ सुन रहे थे, देखी कभी भी नहीं थी। तो ये है यहाँ की वो वाली सुरंग। पंजाब का ये लुधियाना, इसका जो नाम है वो लोधी डायनेस्टी की वजह से पड़ा है। और यदि हम लोधी डायनेस्टी को समझने की कोशिश करते हैं तो 1451 से लेके 1526 तक उन्होंने दिल्ली सल्तनत को संभाला, जिसमें सबसे पहले बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, उसके बाद में इब्राहिम लोधी बने। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इस सुरंग का निर्माण जलाल खान ने ही करवाया था ताकि युद्ध के समय में गुप्त रास्ते से बाहर निकला जा सके। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इस किले पर महाराजा रणजीत सिंह ने 3 साल तक अपना अधिकार किया था और यहाँ पर इस गुप्त रास्ते को बनवाया था ताकि पास में ही फिल्लौर के किले तक जाया जा सके। तो दोस्तों, इसी प्रकार की मज़ेदार नई वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।